are going to start our lesson of biology. First lesson there is cells, structure and functions. तो यहीं से एक क्वेश्चन आपके बनता है, कोई पूछेगा why cells are known as structural and functional unit of life. ये क्वेश्चन हो सकता है किसी का टॉपिक एंड इसी के ऊपर क्वेश्चन है, cells को क्यों structural और functional unit कहा गया है life को, life का, तो why? Let us know. Structure, cell से structure बनता है, हम जानते हैं हमारे शरीर बना हुआ है छोटे छोटे cell से, तो ये cell से कटा होकर tissue बनता है ना, tissue जब इकट्ठा होकर grouping करता है तो organ बनता है, organ बनता है, जब organ अगर इकट्ठा हो जाता है organ system जब ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होता है तो बॉडी बनता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर की संरचना सेल से ही हुआ है, स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर सेल से ही बना है, सेल्स में होता तो हमारे बॉडी नहीं बनता, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेल से जुड़कर हमारे शरीर बनता है, जैसे छोटे छोटे गिट्टी बालू बजरी ये सब मिला के हम बिल्डिंग बनाते हैं। अब छोटे छोटे बालू गिट्टी बजरी को इकट्ठा करेंगे, मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, बालू को पासेंगे तो वहां से ईटा बनता है, उसी तरह ईटा जैसे टिश्यू हो गया, ईटा ईटा को जोड़ेंगे तो बड़ा बिल्डिंग बनेगा, तो हमारे बॉडी भी उसी तरह बिल्डिंग की तरह होता है, इसीलिए हमारे बॉडी के स्मॉलेस्ट सेल्स को कहा गया है और इसीलिए हमारे बॉडी सेल से ही बना हुआ है। तो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, किससे बना हुआ है, सेल से। सो सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सेकंड वन, व्हाई सेल्स आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है, अब देखिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमने खाना खाया C6H12O6, जो भी खाना हमने खाया थे जैसे चावल खाए थे, रोटी खाए थे, आलू खाए थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे हम खाना को चबाते हैं, चबाना शुरू करते हैं, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को सलाइवा माइकोस बनाता है, माइकोस को फिर माइटिस ग्लूकोस बनाता है, दैट इज जो हमने खाना खाए थे वो ग्लूकोस बन गया है हमारे शरीर में। और हमने ऑक्सीजन भी लिए थे, ऑक्सीजन हम 24 घंटे के O2 और ये ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज है बेटा हमारे सेल्स के अंदर में जाके ये आपस में रिएक्शन करता है, तो वहां से हमें एटीपी ना एनर्जी मिलता है, एटीपी मिलता है, एटीपी को ही हम एनर्जी कहते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं, खाने इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी के लिए खाते हैं खाना, राइट, ऊर्जा के लिए खाना खाते हैं, तो हमारे खाने से ऊर्जा मिला, तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, लिखिएगा आप एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है इसको, इसी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कहते हैं, प्लस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है, ये वाटर है जो टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, जो हम पढ़ेंगे तो टेंथ में जाके ये टॉक्सिक वाटर जो हम यूरिन के रूप में हम रिमूव कर देते हैं बॉडी से। अब देखिए ये कहां बना, सेल में, कहां बना बेटा, सेल में बना, ये एनर्जी कहां बना है, सेल में बना, दैट मींस जो यदि सेल ने एनर्जी नहीं बनाया होता, यानी कि सेल के अंदर में फंक्शन नहीं हुआ होता, तो क्या हमारे बॉडी फंक्शन कर पाता, काम कर पाता, नहीं, क्यों काम नहीं कर पाता, जैसे यदि सेल ने फंक्शन नहीं तो अपना काम को नहीं किया होता तो सेल एनर्जी नहीं दे पाता, यदि सेल एनर्जी नहीं दिया होता तो हम हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलता और हम काम नहीं करते, जैसे काम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं सकता, आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ नहीं सकते, कोई मजदूर खेती करता है, किसान करता है,